पार्टी ने आज अपने पुराने कार्यक्रमों की समीक्षा की है और समीक्षा के साथ साथ पार्टी ने अपने महाधिवेशन की घोषणा और तिथि भी निश्चय किया है। पार्टी अपने सांगठनिक 12 सहयोगी इकाई का प्रखंड और पंचायत स्तर पर विस्तार के कार्यक्रम चल रहे हैं और सभी इकाइयों का राज्य अधिवेशन का निर्णय भी तय निर्णय लिया गया है, उसकी तिथि भी तय है। पार्टी का अखिल झारखंड श्रमिक संघ का अधिवेशन कल बेरमो में और 4 दिसंबर को अखिल झारखंड महिला संघ का राजकीय अधिवेशन कोनार डैम में आहूत किया गया है, डैम के पास कहीं आहूत किया गया है। इसके साथ साथ शेष इकाई का भी दिसंबर जनवरी तक में पूरा कर लिया जाएगा, राज्य अधिवेशन पूरा कर लिया जाए, पंचायत से लेकर प्रखंड, प्रखंड से लेकर राज्य अधिवेशन का कार्यक्रम चलेगा। पार्टी का लक्ष्य है कि महाधिवेशन के पूर्व 1,00,000 पदे न पदाधिकारी तैयार करना है और पार्टी ने मार्च 2023 को पार्टी का महाधिवेशन की तिथि तय की गई है, मार्च में महाधिवेशन होगा। और इसके साथ साथ पार्टी राज्य के वर्तमान हालात पर भी जो घटनाएं घट रही है, जो निर्णय हो रहे हैं या निर्णय जो आ रहे हैं, ये निर्णय के ऊपर राज्यव्यापी कार्यक्रम भी, जहां राज्यव्यापी आंदोलन चल रहे हैं और राज्यव्यापी कार्यक्रम करने का भी निर्णय लिया है। 81 विधानसभा में जन पंचायत के माध्यम से पार्टी का सभा करने का निर्णय लिया गया है, जहां पर पार्टी वर्तमान स्थिति पर, राज्य की स्थिति पर आम जन के साथ उस सभा के माध्यम से चर्चा करेगी। ये पार्टी का निर्णय है और शेष जो कार्यक्रम है से उस ऑन शेड्यूल सभी कार्यक्रम चलेंगे, यही आज हमारे केंद्रीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अरे यार वो लड़का वो हल्ला बात क्यों कर रहे पीछे से, क्या वो भैया क्या वो नवीन भैया एक चलो धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं को। ये जानकारी ले लो, आज रोज सवाल कितना करेंगे, नहीं वो चीजें उलट हो जाती है। आग्रह है आप सभी से, कार्यक्रम का जानकारी इसीलिए दिए, सब में बात करेंगे, बहुत बारीकी से बात कर रहे हैं, अलग अलग भी बात करना, हर चैनल को मौका दे देंगे 1-to-1 का, मैं हर चैनल को 1-to-1 का मौका दूंगा, आप लोग लगातार इधर मुझसे लेते रहो, ठीक है तो धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।